वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए आंवले की पूजा करने। आज है आंवला नवमी, तो ये मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, और इस पे ये स्वास्तिक बना रही हूँ। तो इस पे मैं रखूंगी दीपक, क्योंकि दीपक हमारा ये चावल के दाने, तो इस पे रख दिया मैंने दीपक। ये है हमारा आंवले का पौधा, इस पे मैं बना रही हूँ, इसकी मैं करूंगी पूजा। ये है हमारा पूजा का सामान, ये है रोली, हल्दी, मूली और सेब और ये फूल, और इसमें मैं लेके आई हूँ हलवा। ये मैं हलवा लेके आई हूँ। ये देखो हमने की है इसकी पूजा, आंवले के पौधे का। ये हमारी पूजा हो चुकी है, आपको नजर आ रहा है ना, ये दीपक जलाया है, ये फूल है, ये हलवा है, दूध का भोग लगाया था, और ये हमारी पूजा हो चुकी है। ये धागा हमने इस पर लपेट दिया है, तो इसी के बाद में मिलते हैं घर पे जाके। तो ये हम करके आए हैं आंवले की पूजा। आज आंवला नवमी है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये मिर्च मंगाई थी, ये हमारे पास है 200 ग्राम मिर्च। तो इनको हम क्या करेंगे, इसका डंठल को तोड़ के इसको अलग कर देंगे। ये धुली हुई मिर्च है, और इसको मैंने दो दिन धूप में सुखाया था, ये दो दिन के लिए धूप में रख दी थी, तो ये ऐसे हो गई हैं। तो ये जो खराब हो उसको निकाल दें, अच्छी मिर्चों को ले लें। बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी, और इनको आप एक बार बना के रख लोगे ना, तो सर्दी में परौंठे के साथ या मक्की की रोटी हो और साग हो उसके साथ में इसको आप कम से कम 15 दिन के लिए तो आप इनको रख सकते हो, ये खराब होने वाली नहीं है। तो इनको हमने सारा निकाल दिया, और अब हम क्या करेंगे, इसी में दोबारा डाल देंगे, और इसको बीच में से चीरा लगाएंगे पूरा पूरा, जो इसके बीज हैं इनको हम निकाल देंगे, जितने भी बीज हैं इसके सारे बीजों को निकाल देंगे ऐसे। तो ये हमने गैस के ऊपर चढ़ाई कढ़ाई, और ये मिर्चें हमारी हो गई हैं, कट के तैयार हैं। तो अब हम क्या करें, इसको चलाएंगे गैस को। गैस चलाने के बाद में इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि ये सरसों के तेल में अच्छी बनती है, तो इसमें हमने सरसों का तेल डालना है। तेल हमारा गरम हो गया, अब हम डालेंगे इसमें जीरा, और ये हमारे पास में राई, हम राई को भी इसमें छोड़ देंगे, थोड़ी सी रख लेंगे, थोड़ी छोड़ देंगे, थोड़ी सौंफ, और अब हम इसमें डालेंगे ये मिर्ची। गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे, बिल्कुल मीडियम, और जब इसको धीरे धीरे हम चलाएंगे, 5 मिनट में ये बनने वाली मिर्च है। और मिर्च अचार के मिर्च की मैं रेसिपी डाल चुकी हूँ, तो और ये मिर्चें हैं लेटेस्ट, जैसे कि अब शाम को हम इसको खा सकते हैं। अब इसमें जाएगा ये नमक, नमक तो अपने स्वाद अनुसार जितना आप पसंद करते हो, तो मैं डालूंगी इसमें नमक 1 चम्मच, और इसमें मैं डालूंगी खटाई, खटाई भी आप अपने हिसाब से खट्टे जितनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि ये मिर्चें थोड़ी तीखी नहीं होती हैं, तो हमें चाहिए चटपटा, तो हमने इसमें डाल दी थोड़ी सी आधी से कम लाल मिर्च पाउडर। अब हम इनको मिक्स करें। हमने सौंफ और राई रखा है, उसको भी हम अब इसमें डाल देंगे। इसमें 4 चम्मच ये सौंफ थी, और ये 7 से 8 चम्मच राई,
राई से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें मैंने खटाई भी डाली है। तो ये मिर्चें एकदम आप शाम को इसको खा सकते हो। चाहते हैं इसमें नींबू डालना तो नींबू डाल दो, मैंने इसमें खटाई डाल दी है, आपकी मर्जी है। एक बार इसको जरूर बनाएं और रखें, 15 दिन तक ये कहीं नहीं जाएंगी, खराब नहीं होंगी। और जो हम मिर्च का अचार डालते हैं उसको तो आप सालों रख सकते हैं, वो मैं डाल चुकी हूँ मिर्च की। इसके इसको सर्दियों में परौंठी हो या रोटी हो, लंच में आप कहीं जा रहे हो, चावल बना रहे हो, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। बस अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। तो बस अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, इसको पलट के देखते हैं। तो ये देखो हमारी मिर्चों का रंग, और इनको हम पलटेंगे, इसके अंदर सब मसाला अंदर चला जाएगा इसके, और हर मिर्च के अंदर आपको मसाला मिलेगा इसके। तो ऐसे ही आप मिर्चें बना के इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों को। जो मिर्चों के अचार के शौकीन है ना, तो वो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। तो ये देखो कैसी लग रही है आपको, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, गैस को हम कर देंगे बंद। तो ये कैसी लग रही है मिर्चें, आपको अच्छी लग रही है? तो आइए खाइए रोटी के साथ मिर्च का अचार। तो अब बज रहे हैं रात के 9:30, और 9:30 बजे हम लोग बनाइए खिचड़ी। तबीयत खराब है इसके लिए आज खिचड़ी बनाई है, और बुखार हो गया। और ये बच्चे भी, बड़ा बेटा सरमान जी, सबको बुखार हो गया है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा मौसम ऐसा चल रहा है और सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, कभी गर्मी लगती है कभी ठंड लगती है, तो इसके लिए समझ नहीं आ रहा, ऐसा मौसम हो रहा है और ठंड से बुखार आया है। मिर्च बनाने के बाद में इतनी ठंड लगी कि बस। और तो इसके लिए बेटी ने बनाई है खिचड़ी, तो अब मैं सॉरी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी अभी, तो आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा खिचड़ी गले में भी दर्द हो रहा है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने खिचड़ी कैसे बनाई है, सादा बिल्कुल नमक डाल के। और देखो बेटे ने क्या मंगाया है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये बड़े वाले बेटे ने मंगाया जेट प्लांट ऑनलाइन, 100 रुपीज का आया ये। देखो ये टेबल के ऊपर जो रखा है ये मंगाया है उसने, तो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, लाइक करें। ये देखो हमने बनाई थी मिर्चें, और मिर्च के साथ खिचड़ी के साथ खा रहे हैं शर्मा जी मिर्चें। और ये देखो मिर्चें लेके और खिचड़ी बनाई है। मेरी तबीयत, मुझे बुखार हो गया बहुत, तो इसके लिए बनाई है खिचड़ी। सारे लोग बीमार हैं, शर्मा जी भी, बेटा भी, उनको सबको बुखार हो रहा है, तो इसके लिए ना खिचड़ी बनाई है। और इसी के साथ तो आप भी ऐसे मिर्चें बना के इंजॉय करें किसी के साथ भी। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए सब गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।